आज हम बात करते हैं दिल की धड़कन की बीमारियों के बारे में। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि हार्ट रेट बहुत तेज़ हो जाता है, लाइक इवन 180, 200, 225 भी हो सकता है। और ये काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं जिनका वैसे हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल होता है, अगर एको हम कराते हैं तो नॉर्मल लगता है, लेकिन बीच बीच में उनको ये धड़कन के अटैक होते रहते हैं। तो पहले इसका कोई ख़ास इलाज नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली अब इसका परमानेंट इलाज अवेलेबल है, जो कि बिना ऑपरेशन के है। उसको बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, RF एब्लेशन। एब्लेशन मीन्स टू बर्न, और रेडियो फ्रिक्वेंसी इसलिए कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको RF एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज इट इज़ सेफ, हार्ट के लिए सेफ रहती है। तो ये प्रोसीजर जो है लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी लैब में करते हैं, और जब हम फेमरल आर्टरी से या फेमरल वेन से दो तीन तारें हार्ट में डालते हैं, उससे वही धड़कन जो मरीज को होती है उसी को पैदा कर लेते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो उसमें हार्ट में अबनॉर्मल सर्किट या वो अरिथमिया कहाँ से आ रहा है, और उस पॉइंट को बर्न कर देते हैं। इसको बोलते हैं RF एब्लेशन, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे अरिथमिया हैं जैसे ऊपर वाले चेंबर से आता है, ATM से आता है, जहाँ ATM एंड वेंट्रिकल का जंक्शन है उसमें से आते हैं, और इवन जो नीचे वाले चेंबर वेंट्रिकल से हैं, पर्टिकुलरली अगर हार्ट रेट हार्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर है तो उनके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। ऑलमोस्ट लाइक 95-96% लोगों में ये प्रोसीजर कामयाब हो जाता है। और अच्छी चीज़ ये है कि ये परमानेंट इलाज है, नहीं तो बहुत सी हार्ट की बीमारियां हैं उनका परमानेंट इलाज नहीं होता, बार बार उनको इलाज कराना पड़ता है। ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि एक बार कराने से मरीज़ की सारी ज़िंदगी की जो है उस बीमारी से छुट्टी हो जाती है, और ये सेफ़ है, कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कम है। मैं कहूँगा कि अब ऑलमोस्ट 0.5% लोगों को छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, बहुत सेफ़ प्रोसीजर है। थैंक यू।